भी ऊपर हो रहा है और वेतन निर्गत नहीं किया गया है। आदेश कर देना चाहिए इन्हें, क्योंकि कई जिलों में ऐसा हो चुका है और पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि दो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके एटलीस्ट आप वेतन आदेश निर्गत कर सकते हो। उसके बाद आप एरियर बनाते रहो आराम से, 5-6 जितना वेरिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। आप यहाँ बीएसएस से मिले होंगे, अपनी बातों को रखा होगा बीएसएस आपको? तो हमारे जो कई प्रतिनिधि हैं वो कई बार ज्ञापन डीएम सर को भी कई बार सारी चीजों से अवगत करा चुके हैं, उसमें कोई भी ऐसी नहीं शिथिलता नहीं बरती गई है कि इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। क्या बताते हैं आप लोग, कभी सीधे मिले तो क्या बताते हैं? यही बताया गया है कि आप लोगों का काम चल रहा है, हो रहा है और किस स्पीड में हो रहा है इसकी कोई हमें तो जानकारी नहीं है, और उस हिसाब से जिस हिसाब से हर जगह मिल चुका है वेतन और आदेश हो गया है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ है? हमारे माँ बाप हमेशा क्या पैसे भेजते रहे और इसीलिए पढ़ा लिखा के हम लोग को यहाँ भेजा गया था। हम लोग हमारा आज रात तक वेतन आदेश हो जाना चाहिए बस। हम क्या पूरी यहाँ पे जितने मौजूद हैं शिक्षक शिक्षिकाएं सब दूर दराज से आए, कोई जिले का नहीं है, ज्यादातर दूर के हैं और सबके माँ बाप बहुत दिनों से खर्चे उठा रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये पढ़ा लिखा के यहाँ भेजे थे। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी अध्यापक पकड़े गए हैं, उनकी एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जब तक सारे सर्टिफिकेट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन न करा लिया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन न करा जाए, तब तक किसी भी अध्यापक की नियुक्ति को प्रवण न मानते हुए उनको वेतन न दिया जाए। तो उस क्रम में जो सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन चल रहा है, ऑफलाइन भी सारे सर्टिफिकेट्स को भिजवा दिया गया है यूनिवर्सिटीज में वेरिफिकेशन आने के लिए। हम लोग अनऑफिशियली ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने एबीएसए और कुछ टीम भी भेज दें जो थोड़ा सा परसों करें, जल्दी मंगवा लें। हमारा प्रयास यही है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप सत्यापन को मंगवा के, पुलिस वेरिफिकेशन को मंगवा के तनख्वाह जल्दी निकल सके इन लोगों की। लगभग 5 माह हो गए, क्या समस्या आ रही है? नहीं देखिए, इसमें समय लगता है क्योंकि आप इसमें जो ऑफलाइन जो आपका होता है वो हर एक सर्टिफिकेट इंडिविजुअली जाता है और हार्ड कॉपी वेरीफाई होता है, दैट टेक्स टाइम इसमें। और प्लस यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे हैं वो पूरे प्रदेश में गए हैं, ऐसा नहीं खाली हमारे जनपद के ही बच्चे हैं, तो भेजा गया है, वेरिफिकेशन आ भी रहे हैं, जिनका आ रहा है उनको तनख्वाह मिलती जा रही है, तकरीबन 54 अध्यापकों को सैलरी मिल चुकी है ऑलरेडी। और इसके अलावा और हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, मेरी बात इसमें शासन पे भी हुई है कि अगर किसी तरह का अगर इसमें संभव हो जियो में बदलाव कि ऑनलाइन पर कुछ इंटरिम मेजर में दे दिया जाए तो उसमें भी विचार शासन करेगी, हम उसके लिए भेज रहे हैं रेफरेंस।